केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। और जो पहनावा है उसमें आप देख सकते हैं, मतलब पूरा भोलेनाथ का जो अवतार होता है ऊपर से लेकर। ये एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको बाबा की डोली के साथ जरूर आना पड़ेगा। ये तो उस टेंट के अंदर पूरा पानी जा रहा है, तो ऐसे माहौल में टेंट भी काम नहीं आने वाला है। 1, 2, 3, 4। कैसा लग रहा है हमारा उत्तराखंड? बहुत ही अच्छा। डर भी लग रहा है पहाड़ों को देख के? बहुत डर लग रहा है। सही ताजगी रहती है हमारे। सही बात। और हमारी आपस में खूब मजाक मस्ती भी चलती रहती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फाटा शहर से। और आज केदारनाथ यात्रा का तीसरा दिन है, तो आज फाटा से केदार बाबा की जो डोली जाएगी वो जाएगी गौरीकुंड तक। और साथ साथ में कैसा आज का माहौल रहने वाला है वो सब वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, 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 बोले तेरी जय जयकार, महादेव, महादेव, महादेव। बाबा की जो डोली है वो अभी रोड बाय रोड आज जाने वाली है, लेकिन रोड के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, यह आप देख सकते हैं जो पहाड़ हैं वो कितने खतरनाक नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई भी पत्थर कभी भी खिसक सकता है, काफ़ी रिस्की अभी ये रोड है। और सामने भी आप देख सकते हैं हर जगह यही हाल है, और जैसे रोड के ऊपर हाल है वैसे ही रोड के नीचे भी आप देख सकते हैं। और हमारी पैदल यात्रा में साथ ही आप देख सकते हैं आगे घोड़े खच्चर भी काफ़ी चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लोग पैदल नहीं चल पाते हैं वो घोड़ों में बैठ के घोड़ों की सवारी करके केदारनाथ पहुंचते हैं, तो उसी के लिए ये सारे खच्चर घोड़े वहां जा रहे हैं। बाबा की जो डोली है वो कुछ समय के लिए थोड़ा यहाँ पर विश्राम पे थी, और अब तो समय हो चुका है यहाँ से भी आगे चलने का। और यहाँ पर अभी डोली जितने भी रुकी है लगभग आधा घंटे से ऊपर, तो उस समय से मैं लगातार नाच रहा था। और जो ये एक्सपीरियंस है ना डोली के साथ चलते चलते बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ नाचने का, ये एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको बाबा की डोली के साथ ज़रूर आना पड़ेगा। तो चलो कुछ समय थोड़ा यहाँ पर इंतज़ार करते हैं बाबा की डोली का, और उसके बाद फिर बाबा की डोली के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बाबा की डोली के साथ चलते चलते हम पहुंच चुके हैं बड़ांसू गांव में, और यहां पर कुछ भाई लोगों ने, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनके लिए पानी और केले की व्यवस्था की है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोका कोला ना पिए, और ये कोका कोला है ये ना पिए, बस सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसको हम पहाड़ियाँ पच जाता है ना, कभी साल में एक बार पीते हैं। चलो ये बोला कभी कभार पीना चाहिए, बल तो पीते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो आसू भाई, लोकेश भाई, तो बैग भर रहे हैं। ये बैग बिस्कुट चोर हाँ आगे काम आएंगे।
जय भोले की, 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 एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो जैसे जैसे डोली आगे जा रही है वैसे वैसे सरदार लोग स्वागत में खड़े हैं और जो सरदार लोग हैं उनके लिए सब व्यवस्थाएं किए हुए हैं। तो बिल्कुल भी खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। हर आधा किलोमीटर पे आपको चाय, पानी, केला, मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल रही है। गाड़ियों की भीड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, जाम का माहौल बन गया है। और अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बस डोली यात्रा चल रही है। परसों 10 तारीख से जैसे ही केदार बाबा के कपाट खुलेंगे तो उसके बाद सोचिए क्या हाल होने वाले हैं यहाँ के, मतलब जाम ही जाम लगने वाला है। और ये देखो बहुत लंबी कतार है, पीछे तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। बाबा की जो डोली है वो फिर से विश्राम के लिए रुकी हुई है और यहाँ पर पहाड़ी स्पेशल झंगोरे की खीर हमको खाने को मिली है प्रसाद के रूप में। तो झंगोरे की खीर जिन्होंने खाई होगी तो उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा ये देख के। तो मतलब हर प्रकार की व्यवस्थाएं आपको यहाँ रास्ते पे ही मिल जाएगी। तो फटाफट जो झंगोरे की खीर है उसका आनंद लेते हैं और फिर एनर्जी लेके आगे बढ़ते हैं। बोले। बाबा की जो डोली है वो पीछे पीछे आ रही है और हम काफ़ी आगे निकल गए हैं और मेरे साथ के जो सुबह के साथी थे वो तो मतलब पीछे ही पता नहीं कहाँ हैं, कोई मुझे मिला नहीं। मैं अकेला अकेला लगा हुआ हूँ और अभी मुझे नए साथी मिल गए हैं तो थोड़ा उनसे भी आपकी मुलाकात करा देते हैं। इधर देखो हमारे सुजान भाई, दीपक भाई, ऋतिक भाई, प्रीति जी, आंचल जी और शुभम भाई और हमारे फ्रेंड भेजी। हर हर महादेव। और कैसा कैसा चल रहा है तब? अभी तो सही चल रहा है सब। थकान थकान लग रही है खूब? ना ना नाटक है। पहला 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 किसका है मेरे साथ? जैसे मेरे एक दो तीन चार, मतलब एक्सपीरियंस एक और दो। तो चलो नए साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ा आराम करके, क्योंकि जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं सीतापुर, जहां पर की बस की पार्किंग है। ये आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे खूबसूरत सा सीतापुर और यहां पर बड़े बड़े होटल भी स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहां पर भी रहने और खाने की आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं तो ये है केदारधाम से आती हुई मंदाकिनी नदी। आजकल पानी बहुत कम है लेकिन आने वाले टाइम पे मानसून के टाइम पे जो यहाँ का जल प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और चलते चलते हमको हमारे भेजी मिल गए हैं जो कि हमको यहाँ पर जूस पिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री केदार। और यहाँ देखो सब भाई लोग जूस का आनंद ले रहे हैं। और हमारी वीडियो में पहली बार स्वागत है। थैंक यू सो मच। दार्जिलिंग से आए हैं सीधे, कैसा लग रहा है हमारा उत्तराखंड? बहुत ही अच्छा। डर भी लग रहा है वाल पहाड़ों को देख के? बहुत डर लग रहा है। आपके यहाँ ऐसे पहाड़ होते नहीं है? पहाड़ तो होते हैं पर ये इतनी ऊंची ऊंची नहीं होती। अच्छा, ऊंची पहाड़ है इसीलिए डर लग रहा है? और नीचे खाई भी। हाँ तो चलिए जूस पिए, डर को भगाओ और आगे बढ़ो। तो सीतापुर की जो पार्किंग है वो मैंने दूर से आपको दिखाई थी और ये पार्किंग है बस की। तो अगर आप बस के सहारे यहाँ तक पहुँचते हो तो फिर
आपको बस वाले यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ से आपको सोनप्रयाग तक थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, मात्र 500 मीटर ही आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको वहाँ से जो शटल की गाड़ियाँ लगी हैं तो उन गाड़ियों में आप फिर कोरिकुंड तक जा सकते हो। बाकी यहाँ दिखाऊँ तो अपने सब यूट्यूबर भाई यहाँ पर धूप में खड़े हो रखे हैं और सबके चेहरे देखो उतरे हुए हैं और केले का आनंद लिया जा रहा है। हाँ तो हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हो तो उसके बाद आपको वो यहां से नीचे पार्किंग के लिए लेके जानी पड़ेगी और आगे जो आपको रूट नज़र आ रहा है तो वो है गौरीकुंड का। हम भी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और हमारे जो सारे बैग थे वो भी पहुंच गए हैं और अमित भाई का धन्यवाद। तो जैसे ही हम सोनप्रयाग में आए तो दीदी जी का यहाँ पर होटल है तो दीदी जी से ही मुलाकात होगी। दीदी जी कैसे हो? बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया है और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा फिर से मिलके ना। तो दीदी के साथ पहले भी मैं मिला हूँ लेकिन हर बार जब नया मिलते हैं तो नया एहसास होता है और बड़ी खुशी होती है। नई ताजगी रहती है हमारे और हमारी आपस में खूब मजाक मस्ती भी चलती रहती है। तो आगे भी आपको दीदी यात्रा पे दिखेंगे? हाँ बिल्कुल, आप तो साथ में है, साथ साथ हैं हम, साथ साथ हैं, मजा आएगा बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बिजी है तो दीदी थोड़ा। तो दीदी से मुलाकात हो गई है और सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप दीदी लोगों का होटल, होटल अभिषेक, जो कि बिल्कुल पार्किंग जाने के रास्ते पे ही है। ये पार्किंग के लिए रोड जाती है और दीदी लोगों का होटल ये सामने ही है। और अभी बाबा जी की जो डोली है वो मतलब काफ़ी पीछे है, तो बाबा की जो डोली है वो थोड़ा समय के बाद यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं जो मेन मार्केट सोनप्रयाग है वहाँ पर, तो वहाँ पर खूब सारी व्यवस्थाएं की गई होगी क्योंकि काफ़ी देर तक वहाँ पर बाबा जी की डोली रुकती है और साथ साथ में एक काम ऐसा हो गया है, क्या बताएं, गाड़ी में मेरे जूते थे और जूते चले गए हैं पार्किंग में और पार्किंग में अब वहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लंबा है। आज सबके पास बैग है। तो कल तक तो बिल्कुल सब लोग खाली खाली जा रहे थे लेकिन आज सबकी पीठ पे आपको बड़े बड़े बैग देखने को मिलेंगे और ये बैग केदारनाथ तक ही सीधे जाने वाले हैं क्योंकि सब लोगों ने उसमें कपड़े कुपड़े रखे हुए हैं। तो एक बार जूते लेने भी मैं चले जाता हूँ। तो सोनप्रयाग पार्किंग में आप देख सकते हैं गाड़ियों की जगह आज आपको सिर्फ घोड़े खच्चर ही देखने को मिलेंगे क्योंकि कई भाई लोगों के अभी लाइसेंस नहीं बने हैं तो वो यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए पहुँचे हुए हैं और आज जो गाड़ियाँ लग रही हैं तो वो लग रही हैं सामने वहाँ पर बड़ी पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था है। सोनप्रयाग से जो ये रोड जा रही है ऊपर के लिए तो ये जा रही है त्रिवेणी नारायण मंदिर के लिए और आप केदारनाथ आ रहे हो तो एक दो दिन एक्स्ट्रा जरूर लेके आए क्योंकि मैंने जो बोल रहा हूँ ना यहाँ से रोड जा रही है त्रिवेणी नारायण के लिए। तो त्रिवेणी नारायण एक ऐसा पुण्य पवित्र स्थान है जहाँ पर विवाह हुआ था भोलेनाथ और माँ पार्वती का, तो वो स्थान भी आप देख सकते हैं केदारनाथ अगर आप आ रहे हो। मतलब यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर लगभग है, तो आप झटपट से जा सकते हैं और जहाँ पर भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था वो भी आप देख सकते हैं कहाँ पे हुआ था, कैसा मंदिर है, सब चीज़ें आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं पहले जा रखा हूँ तो मुझे पता है वहाँ पर बहुत सारे कुंड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखो ये है पार्किंग की अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो वहाँ बाइक के लिए है और यहाँ नीचे कार के लिए है और अभी यात्रा शुरू नहीं हुई फिर भी आप देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो आने वाले टाइम पे मतलब बिल्कुल भी जगह यहाँ पर होने वाली है नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है इतनी ज़्यादा भीड़ देख के। और पार्किंग का जो शुल्क है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दोपहिया वाहन 50 रुपये, कार जीप 100 रुपये और बस ट्रक 150 रुपये। बम बम बोले।
तो बाबा की जो डोली है वो कुछ टाइम के लिए विश्राम करेगी सोनप्रयाग मार्केट में। फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं क्योंकि जितना जल्दी हो सके तो धीरे धीरे आगे चले जाते हैं, नहीं तो बाद में भीड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और जो गौरीकुंड है वो एक छोटा सा मार्केट है, तो वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, नहीं तो रात भर बाहर भी सोना पड़ सकता है। क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं तो नहीं आया था लेकिन मेरे यार दोस्त आए थे तो वो बोल रहे थे कि पिछली बार मतलब वहाँ जगह ही नहीं हुई, तो वो बोल रहे थे कि फिर बाहर पे ही सोना पड़ा पूरी रात ऐसे ठंड में। अभी तो नहीं है ठंडा लेकिन रात को पता चलेगा कितना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। क्यों रे देख भाई, थकान लग गई। अभी हम जैसे ही आगे बढ़े तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सी दो नदियों का संगम हो रहा है। एक है सोन नदी और दूसरी बाबा केदारनाथ के चरणों से आ रही है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ पर दोनों नदियों का प्यारा सा संगम हो रहा है और उसके बाद आगे जाके मंदाकिनी नदी बन के ये आगे की ओर बढ़ रही है। और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो नदी के बगल में काफ़ी सारे घोड़े खच्चर हैं क्योंकि उनके रहने और खाने की व्यवस्था शायद यहीं पर कर रखी है। ये देखो नीचे तंबू गाड़ रखे हैं और ऐसे में ही अब खच्चरों का जीवन यहाँ रहने वाला है कुछ महीनों तक, लगभग 6 महीने यात्रा चलती है। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, आप भी आइए और केदार बाबा के दर्शन कीजिए। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्यारा सा पुल है, तो इसी पुल के ठीक आगे से आपको शटल सेवा की जो गाड़ियां हैं वो मिलने वाली हैं। थोड़ा आपको लगभग 500 मीटर तो पैदल चलना ही होगा। तो चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। और जैसे ही गौरीकुंड पहुंचे तो यहाँ देखो हमसे पहले ही इतनी सारी यहाँ भीड़ हो रही है बाबा जी के स्वागत के लिए। तो अभी बाबा जी की जो डोली है वो गौरीकुंड मार्केट में पहुंच गई है और डोली से थोड़ा पहले हम निकल चुके हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, रास्ता संकरा है तो बाद में दिक्कत आने वाली है। इसीलिए बाबा जी की डोली आज रहने वाली है गौरा माँ के मंदिर में, तो हम पहले ही वहाँ पर चले जाते हैं और आपको भी लिए चलते हैं। और मेरे पीछे आपको जो नदी का शोर सुनाई दे रहा होगा तो ये मंदाकिनी नदी नज़दीक से यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको लकड़ी के बहुत सारे ये नज़र आ रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं डंडी। तो इन्हीं में जो इंसान पैदल नहीं चल पाता है और घोड़े खच्चरों में भी जिसको डर लगता है तो वो इसमें बैठ के जाता है। और बाकी देखो कितने सारे तैयार हो गए हैं, तो कल से मतलब इसका भी अलग ही बिजनेस यहाँ पर चलने वाला है, तो सब अपने रोज़गार पे लगे हुए हैं। तो अभी गौरीकुंड पहुंच के हमने सबसे पहले होटल की व्यवस्था की है और जो होटल है तो सबसे पहले हमने तो गौरीकुंड पहुंच के हमने सबसे पहले होटल की व्यवस्था अभी कर ली है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर होटल की व्यवस्था नहीं करते तो शायद आज हमको कमरा नहीं मिलता। तो हमारे एक परम मित्र जी हैं, उनका यहाँ पर होटल है रुद्राक्ष होटल के नाम से, उन्होंने यहाँ पर अच्छे से हमारी व्यवस्था कर दी है। और आज के जो व्यवस्थापक थे वो थे हमारे आसू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो ना यहाँ पर आज मतलब रूम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। नहीं तो यहाँ पर ना पैसे दे के भी रूम नहीं मिल रहे। हाँ मतलब जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, रूम के रेट हो गए 10-12 हजार रुपए। तो यहाँ पर मतलब 10-12 हजार भी दोगे ना तब भी रूम नहीं मिल रहे हैं आज यहाँ पर, ऐसी हालत हो गई है। और यहाँ नीचे दिखाऊं
तो देखो रास्ते में कुछ ऐसे टेंट लगाने पड़ रहे हैं जिनपे टेंट है, जगह भी नहीं है यहाँ पर टेंट लगाने के लिए। और यहाँ पर अगर घोड़े खच्चरों का आवाजमन होता है ना तो फिर टेंट वालों की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ से लेकर यहाँ तक देखे टेंट लगे हुए हैं, तो मतलब सब बड़ी समस्या में है। तो ऐसी हालत है आज गौरीकुंड की। ताकि जो हमारे बाबा केदार हैं उनकी जो डोली है वो पहुँच चुकी है गौरी माँ के मंदिर में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो थोड़ा बहुत जो सूट हुआ है वो आगे आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो अभी हमने जिस होटल में रूम ले रखा है तो वहाँ पर हमको बाबा जी मिले हैं जो कि आए हैं गोरखपुर से, मनोज सोनी जी इनका नाम है, जोगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये, और आज इनके दर्शन हमको साथ साथ यहाँ पे हुए हैं। पिछली बार भी आए थे, बर्फ़ पे बैठे थे और ये पिछली बार भी आए थे और केदारनाथ की यात्रा पर, और पिछली बार बर्फ़ पे भी बैठे थे और ठंडे ठंडे मौसम में, मतलब एकदम वही वाला माहौल जो भोलेनाथ के पास में होता है वही माहौल अभी इनके साथ खड़े होकर यहाँ पर लग रहा है। तो और जो पहनावा है उसमें आप देख सकते हैं, मतलब पूरा भोलेनाथ का जो अवतार होता है ऊपर से लेकर आप पूरा देख सकते हैं, हर चीज़ पहनी हुई है जो भी वस्त्र रहते हैं भोलेनाथ के। तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी दीवानगी है हमारी, इनकी बड़ी दीवानगी है बचपन से, बोलिए मानते हैं प्रभु जी को, तो हम भी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। तो कल आपके साथ ही यात्रा करेंगे, हाँ। हर हर महादेव। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं क्या तेज़ बारिश आ रही है। और हमने सोचा ही था कि अगर बारिश आ जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि बहुत दिनों से उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो बहुत तगड़े जल रहे थे, बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा आग हर जगह और जंगलों में लगी हुई थी। तो आज जो बारिश आई है, भगवान की जो डोली गौरा माँ के मंदिर में पहुंची है उसके बाद जो ये बारिश आई है, तो भगवान का आशीर्वाद ही हम इसको मानेंगे कि ये बारिश अगर नहीं आती तो उत्तराखंड के जितने बचे हुए जंगल हैं वो भी सारे मतलब ऐसे ही जल जाते। तो अच्छी बात है बारिश आ गई है, आने वाले टाइम पे कल हम केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर मतलब मौसम ठीक ठाक रहने वाला है, धुंध कहीं दिखेगी नहीं, थोड़ा ये है कि ठंड जरूर बढ़ने वाली है, लेकिन आज के लिए मौसम एकदम बढ़िया हो गया हमारे लिए जिनको रूम मिला है और जंगलों के लिए। बाकी जिन भाइयों को अभी रूम नहीं मिला है और जो भाई ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं और जिन भाइयों ने यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, और कुछ भाइयों को अभी टेंट भी नहीं मिला है और ये सामने भी आप देख सकते हैं, तो उन भाइयों के लिए ये जो बारिश है थोड़ा मतलब गलत संकेत है कि वो कैसे रहेंगे। अगर बारिश नहीं आती तो वो बाहर पर ही अपनी जो रात है वो गुजार सकते थे, लेकिन ऐसे में टेंट के अंदर तक भी पानी चले जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ नीचे एक टेंट लगा हुआ है, थोड़ा यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, तो उस टेंट के अंदर पूरा पानी जा रहा है, तो ऐसे माहौल में टेंट भी काम नहीं आने वाला है, ऐसी तेज़ बारिश अभी शुरू हो गई है और बीच रास्ते पे ये टेंट लगाए हुए हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि जो पानी का ढाल है ना वो टेंट के अंदर ऐसे जा रहा है तो पानी पूरा टेंटों के अंदर जा रहा है, तो बड़ी समस्याएं आ गई हैं कि आदमी बचे तो बचे कैसे ऐसे माहौल में।